दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे व्हाट्सएप में आए गए मैसेज को आप पढ़ भी पाएंगे और सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है। अब इस ट्रिक के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और टेक मॉनिटर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों होता है क्या, जब भी कोई आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजता है तो जैसे ही वो मैसेज आपके व्हाट्सएप अकाउंट में डिलीवर हो जाता है तो सामने वाले व्यक्ति के व्हाट्सएप में वहाँ पे दो टिक आ जाता है और जैसे ही आप उस व्हाट्सएप के मैसेज को पढ़ लेंगे वहाँ पे जो दो टिक है वो ब्लू कलर में बदल जाएगा। अब उस टिक को ब्लू कलर में बदलने के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे मैं पिछले दो हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे से ये एप्लीकेशन काम कर रहा है। अभी इसी एप्लीकेशन के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको ये डेमो करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको अनसीन बोल के टाइप करना है, अनसीन नो लास्ट सीन आर रीड। तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है तो इसे आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों, आप ठीक से इस एप्लीकेशन का यहाँ पे नाम देख लीजिए। इसका नाम है अनसीन नो लास्ट सीन आर रीड और इसका आइकन भी देख लीजिए और इस एप्लीकेशन का ओनर है अनसीन मैसेजेस। तो इसे आपको अभी ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चले जाइए। ये सारा प्रोसेस आप स्किप करिए। स्किप करने के बाद यहाँ पे फोर्थ प्रोसेस में आपको मिलेगा फेसबुक, व्हाट्सअप, वाइबर और टेलीग्राम। जैसे कि हमें आप व्हाट्सअप के ऊपर यूज़ करना है तो आप यहाँ पे सिर्फ बाकी को अनचेक करके सिर्फ व्हाट्सअप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे एनेबल एक्सेसिबिलिटी बोलेगा तो इसे भी आप अनेबल कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली अनसीन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप इसे नोटिफिकेशन एक्सेस दे रहे हैं, इसका बैक जाइए। बैक जाने के बाद ये जो एप्लीकेशन है अभी काम करना शुरू कर चुका है। तो अभी आपको मैं इसे एक डेमो करके दिखा देता हूँ। तो ये फोन में फिलहाल दूसरा नंबर जिससे मैं अपने नंबर में अभी मैसेज भेजाऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप को ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद अभी मैं मैसेज भेजाऊंगा। तो यहाँ पे मैं जाके एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाय और इसे मैंने भेजा दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो नोटिफिकेशन आ चुका है कि यहाँ पे एक मैसेज आया। तो इसे आपको ओपन करना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको जो अनसीन का एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है। तो उसे ओपन करने का यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक मैसेज आया है हाय बोल के, इसे आप ओपन कर लीजिए और आप इस मैसेज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस मोबाइल में अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो टिक है वो बिल्कुल भी उसका कलर चेंज हुआ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मैसेज पढ़ लिया है लेकिन इस व्यक्ति को यहाँ पे पता नहीं चला है कि मैंने मैसेज पढ़ लिया है। तो मैं यहाँ पे एक और एक मैसेज भी भिजा देता हूँ। तो और एक मैसेज मैंने भिजा दिया है। तो ये भी मेरे को व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आ चुका है और अनसीन एप्लीकेशन भी मैं यहाँ पे इस मैसेज को मैंने पढ़ लिया है। तो मैं इसे पीछे जाके दोबारा ओपन कर देता हूँ, दोबारा ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टिक है उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। अभी मैं अपने व्हाट्सएप अकाउंट में जाता हूँ। तो अगर जैसे मैंने अपना व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे ओपन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ब्लू टिक हो चुका था जो इससे पहले हो नहीं रहा था। तो यही वो ट्रिक है दोस्तों जिससे आप जो भी व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आते हैं उसे बहुत ही आराम से आप रिसीव कर पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे और सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।